जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते हम, मखलूक से नहीं डरते हम, खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती। क्या 22 नौजवान जो CAA का एहतजाज कर रहे थे, CAA के काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, उसकी माँ को, उन बच्चों की माँ को जो शहीद हो गए, उनको ओवैसी क्या मुंह दिखाएगा? अगर ओवैसी को एक सोने के पिंजरे में डाल दिए तो फिर क्या फायदा? प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते हम, मखलूक से नहीं डरते हम, खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती। क्या आखिर कौन है ये लोग कि हम गोलियां चला रहे हैं और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं ठुकराता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे बराबरी की मुझे बराबरी के शहरी का हकूक दो। जब मैं ये बात किया तो सब लोग ताज्जुब किए। कई नेता पार्लियामेंट के मेंबर आके बोले, ओवैसी तुमने बात तो अच्छी की मगर लोग, नेता लोग तो सिक्योरिटी लेने के लिए तड़पते हैं और तुम उसको ठुकरा रहे हो, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक ही है, मैंने बयान किया और फिर कह रहा हूं, अगर ओवैसी को एक सोने के पिंजरे में डाल दिए तो फिर क्या फायदा? अगर ओवैसी की जान बचा ली जाए और DYSP को इंसाफ ना मिले तो फिर क्या फायदा, बताओ आप? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल गई तो वो 22 नौजवान जो CAA का एहतजाज कर रहे थे, CAA के काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, उसकी माँ को, उन बच्चों की माँ को जो शहीद हो गए, उनको ओवैसी क्या मुंह दिखाएगा? कि उनकी माँ कहेगी कि तुझे सिक्योरिटी मिल गई, मेरे बच्चे की तो जान चले गई। अगर आप जिंदा रहेंगे, आपका घर आबाद रहेगा, आपके घर में बच्चों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों का तहफ्फुज होगा, इबादत गाहें महफूज रहेंगी, महिलाओं की इज्जत हो गई तो ओवैसी भी इज्जत में इजाफा होगा। अगर गरीब की जान की कीमत नहीं तो ओवैसी की भी जान की कीमत नहीं है। मेरी जान किसी गरीब और मजलूम से बढ़कर नहीं है, वो भी एक माँ के पेट से पैदा हुआ, मैं भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूं। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो मगर आज इस देश में, इस प्रदेश में गरीब की जान की हिफाजत करना है, मजलूम की हिफाजत करना है, कमजोर को ताकतवर बनाना है, जो नीचा है उसको ऊपर उठाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। ये लड़ाई हमारी। इस बात को आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है, BJP के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने पढ़े इंटर पास है, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं? हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं, 12वीं पढ़े हुए हैं, उठाओ मेरी माँ और बहनें हाथ उठाओ। क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इंकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे, उस वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे।
अब अमित शाह के बारे, अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा, कि हमार बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह, आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से, बीजेपी बोलती हमको और दो मुगलों को हराना है, तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर, मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई, बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे रात रात भर जाकर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता, ये इनका मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं, नहीं वीडियो है वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में तो सब आएंगे आपके पास इंशाल्लाह ताला, वो दिन आएगा देखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं तुम देखोगे इंशाल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे हैं, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे हैं कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा कोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा कोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगले आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते, अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई, तो इनके दिल की बात जबान पर आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा कौन भी जाए उनका नाम भी बोल देता हूं, बाबूजी की पार्टी के, उनका नाम इरफान इरशाद है, और उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव के बाद आपको तीतर खिलाएंगे, हम बोले ठीक अभी खिला देते तो अच्छा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहां पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी, जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे
कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, इनको डर दिखाओ मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं, अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1,000-10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी, तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर।